नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं उरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्र आज मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के राजपथ पर ली परेड की सलामी। राजपथ पर दिखी देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति की झलक। अरुणाचल प्रदेश में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया गया गणतंत्र दिवस। राजधानी ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने किया ध्वजारोहण और प्रदेशवासियों को दी बधाई। गणतंत्र दिवस पर घोषित पद्म पुरस्कारों में राज्य की पर्वतारोही अंशु जमसिम्पा का नाम पद्मश्री पुरस्कारों में शामिल। इधर अरुणाचल प्रदेश के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए 55 लोगों को राज्य पुरस्कार देने की घोषणा। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, सांसदों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। कोविड महामारी की वजह से इस वर्ष किसी दूसरे देश के गणमान्य व्यक्ति को मुख्य अतिथि नहीं बनाया गया था। गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का प्रदर्शन किया गया। समारोह में अरुणाचल और सिक्किम सहित देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई। राफेल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए। The tribes of the eastern and western parts. Pride in their force is writ large on the Delhi police marching contingent. All the members of the contingent are above 6 feet in height. This contingent has a unique distinction. बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में डॉ. मिश्रा ने राज्य के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि पिछला वर्ष कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न भयंकर कष्टों और अनिश्चितता के कारण एक कठिन वर्ष रहा है, परंतु इस चुनौती के बावजूद मेरी सरकार ने विभिन्न मोर्चों पर आत्मनिर्भर अरुणाचल प्रदेश बनाने के लिए प्रयास जारी रखा। आईजी पार्क में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व युवा आईपीएस अधिकारी शुभेंदु भूषण ने किया। मैं टीम अरुणाचल के हर सदस्य को, विशेष रूप से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ, जो पिछले 10 महीने में हमें कोविड-19 से बचाने के लिए कार्यरत रहे और उनमें से कुछ ने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। हमें इस बात पर गर्व है कि कोविड-19 के लिए अब 2 मेड इन इंडिया टीके उपलब्ध हैं। हमारी सरकार ने जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत का एक बड़ा अभियान प्रारंभ किया है। मैं पंचायती राज और नगर पालिका के चुनावों के सुचारू रूप और सफल संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को बधाई देता हूँ। राज्य सरकार सभी प्रशासनिक मुख्यालयों को 12 मासी सड़क द्वारा संपर्क प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कॉम्प्रिहेंसिव रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। हम अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क के लिए सभी कार्यरत एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हम आभारी हैं, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ
1683 गांव को साल 2022 तक 4G 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए व्यापक टेलीकॉम विकास योजना को अनुमोदन प्रदान किया है। राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के लिए अग्रणी स्तर पर व्यावसायिकता पैदा करना समय की आवश्यकता है। साहसिक खेलों जैसे पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, नदी राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, खोज और बचाव आदि के लिए मुख्यमंत्री कौशल अग्रिम सर्टिफिकेट कोर्स योजना के तहत दिरांग में निमास संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC द्वारा 352 सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की गई है। इसके साथ 688 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अग्रिम चरणों में। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मद्रास रेजिमेंट की 18वीं बटालियन के सदस्य रहे और मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत भंडारकर की पत्नी शकुंतला ए भंडारकर ने इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक स्थित पलजोर स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल गंगा प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। सिक्किम के लोगों को दिए गए अपने संदेश में राज्यपाल ने राज्य के विकास के लिए आम जन को आगे आने को कहा और कोरोना महामारी से मुकाबले में अहम भूमिका निभाने वाले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, पुलिसकर्मियों और पैरामिलिट्री जवानों की तारीफ की। प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से सिक्किम IT हब बनने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुविधाएं दी जा रही है। 43,000 दुग्ध उत्पादक कृषकों को गणतंत्र दिवस की पूर्वी संध्या पर कल पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान के लिए चुना गया, जबकि 10 लोगों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया। इसके अलावा 102 लोगों को पद्मश्री के लिए चयनित किया गया, जिनमें अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पर्वतारोही अंशु जमसेनपा भी शामिल है। जमसेनपा ऐसी पहली भारतीय महिला पर्वतारोही है जिन्होंने 5 दिनों के भीतर 2 बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। उन्हें खेल श्रेणी में पद्मश्री के लिए चुना गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जमसेनपा को बधाई देते हुए कहा कि वह कोई साधारण महिला नहीं है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अरुणाचल के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य पुरस्कारों की घोषणा की गई। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बताया कि इस बार 14 लोगों को गोल्ड मेडल, 16 को सिल्वर मेडल और 25 को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। अपने कार्य के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को विकास की दिशा में लेकर गए हैं, उनको स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और आज हम 14 गोल्ड मेडल्स, 16 सिल्वर मेडल्स एंड 25 कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में विधानसभा के सचिव के हाबुंग ने तिरंगा फहराया और सभी कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा राज्य के सभी वर्ग के लोगों की आकांक्षाओं का केंद्र होता है और इसे पूरा करने के लिए निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गुवाहाटी हाईकोर्ट के ईटानगर परमानेंट बेंच के परिसर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जस्टिस एस सेरतो ने ध्वजारोहण किया और लोगों से लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करने की अपील की। देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना के साथ देश के विकास में योगदान करने की अपील की। राज्य के सभी जिला और अंचल मुख्यालयों में आज गणतंत्र दिवस मनाया गया। अपर सियांग जिला मुख्यालय यिंकियोंग में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और जिले के आला अधिकारी मौजूद थे। इधर ईस्ट सियांग जिला मुख्यालय पासीघाट में आयोजित जिला उपायुक्त डॉ. किन्नी सिंह ने तिरंगा फहराया और लोगों से विकास परियोजनाओं में सहयोग की अपील की। वहीं ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन में ADC ताजिंग जनोम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कृषि बागवानी और हस्तशिल्प पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई थी। इधर चांगलांग जिले से लगी म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स द्वारा इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुट मिथि, विधायक मुचु मिथि और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राज्य के सभी कार्यालयों और विद्यालयों में गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के परिसर में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी SK बर ठाकुर ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर IRBN के जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और समारोह में मौजूद सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। भारत माता की जय।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा, नमस्कार।